बिल को फाड़ता हूं और इस ऐसे काले बिल को मानने से बिल्कुल इनकार करता हूं जो कि भक्तियादूषी है, जो इन किसानों के जाल लेने पर आमदा है, आम आदमी की जाल लेने के ऊपर आमदा है। ऐसे किसी कानून को नहीं मैं मानता। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय। देश के अंदर एक सरकार बनाई गई थी जिसके ऊपर बहुत विश्वास किया गया, लेकिन लोगों के विश्वास पर खरा ना उतरते हुए, अहंकार में डूबते हुए कुछ पूंजीपतियों के हाथ के अंदर देश के किसानों को बेचने का काम केंद्र सरकार ने किया, जो बहुत निंदनीय है। उसको अपोज करने का काम विपक्ष का होता, लेकिन यहां पर विपक्ष भी फेल रहा है, पुरजोर आवाज नहीं उठा सके। सिर्फ एक ही आम आदमी पार्टी का सांसद ऐसे थे जिन्होंने वो पुरजोर आवाज उठाई किसानों के हित के अंदर, और राज्यसभा से उनको निलंबित भी किया गया। जो भी किसी के हक की आवाज उठाता है तो उसको निलंबित कर देते हैं, जो कि बहुत शर्मनाक है। आज देश के लाखों करोड़ों किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, लेकिन इस सरकार के कान के ऊपर जो भी नहीं रहेंगे। अरे बहुत विश्वास करके बनाया था आप लोगों, अहंकार में डूब गए हो आप। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उस केंद्र सरकार को, अहंकार से तीनों गए, अहंकार से तीनों गए, धन वैभव और वंश, और यकीन नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। रावण का भी क्या हाल हुआ, पूरे के पूरे कुंबे का सत्यानाश हो गया, पूरे की पूरी जाति का सर्वनाश हो गया, और यही हाल कौरवों का हुआ। सौ सौ पुत्र जन्मने के बाद भी एक भी पुत्र उसके अंदर नहीं बचा, और यही हाल कंस का हुआ। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा केंद्र सरकार से, इन किसानों की बातों को सुने, इनके दर्द को समझे। आपने जो पूंजीपतियों के हाथ के अंदर इन किसानों को बेच दिया है, उस बिल को आप निरस्त करें और इनको न्याय देने का आप कार्य करें। सिर्फ आज आम आदमी पार्टी इन किसानों के लिए बॉर्डर के ऊपर, चाहे किसी भी रूप में, खाने के रूप में है, पानी के रूप के अंदर, टॉयलेट्स की समस्या के लिए है, डॉक्टरों के लिए है, डॉक्टरों को भी दिल्ली के अंदर जिस सीमा के अंदर बैठे हैं वहां पर भी पानी पहुंचाने का काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। मैं देश के किसानों को कहना चाहता हूं, ये दिल्ली विधानसभा आपके साथ है, अरविंद केजरीवाल जी आपके साथ है, इसका हर विधायक आपके साथ है और इसके हर मंत्री आपके साथ है। आपको अभी 21-22 दिन हुए, मुझे पूरा यकीन है आज इस सदन के अंदर यह आवाज उठ रही है। केंद्र सरकार जरूर इस आवाज को सुनेगी और अपने बिलों को निरस्त करेगी और इन किसानों के साथ वो न्याय मिलेगा, यह हमें पूर्ण उम्मीद है। क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी की सरकार है, और मैं कहना चाहूंगा ना रहबर से निकलेगा, ना रहबर से निकलेगा, ना रह गुजर से निकलेगा, और इन किसानों के पांव का कांटा तो आपसे ही निकलेगा, आपसे ही निकलेगा, आम आदमी पार्टी से निकलेगा, अरविंद केजरीवाल से निकलेगा, दिल्ली की इस विधानसभा से आपके पांव का कांटा जरूर निकल के रहेगा। ये बिल पास किए हैं जो तीन काले कानून, इनमें पूंजीपतियों के हाथों के अंदर बेचने का केंद्र सरकार ने जो षड्यंत्र रचा है,
इस बिल की कॉपी को मैं इस सदन के अंदर फाड़ता हूं, इस कानून को हम नहीं मानते, ये किसानों के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि लगातार 21 दिन से मैं उन किसानों के साथ में वहां पर बॉर्डर के ऊपर बैठा हूं, वहां पर आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं, अभी आत्महत्या भी हुई है जो आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा हो, वहां पर इतनी ठिठुरती ठंड के अंदर इन किसानों ने अपने बलिदान दे दिए, और इनको केंद्र सरकार के कुछ आदमी ये कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, शर्म आती है, ये इन लोगों को खालिस्तानी बता रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप सब ने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर, सीमा के ऊपर सीमाओं की रक्षा करते हुए एक जवान ने अपनी शहादत दे दी, और जब बाद में पता चला वो जवान कहां का था, वो जवान आपके पंजाब का था, और पता लगा कि उसका पिता कहां पर बैठा है, उसका पिता यहां सिंघू बॉर्डर के ऊपर किसानों के हक के लिए वहां पर वो बैठा था। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसे आदमियों को शर्म आनी चाहिए जो इन लोगों को खालिस्तानी बताते हैं। आपको सत्ता पे भी बिठाने वाले यही किसान थे, और आपकी सत्ता को उखाड़ने वाले भी यही किसान होंगे, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। अध्यक्ष जी, जितना दर्द इस समय किसानों को हो रहा है, आम आदमियों को भी हो रहा है, क्योंकि जो भी रोटी खाई जाती है इन किसानों के द्वारा, जो अनाज उगाया जाता है उसी के बलबूते पर हम लोग रोटी खाते हैं। आज तो लग रहा है ये किसानों की लड़ाई है, ये किसानों की लड़ाई नहीं है अध्यक्ष जी, ये लड़ाई आज हर उस आम आदमी की है जो अनाज खाता है। इन्हीं पूंजीपतियों के हाथ के अंदर ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खेती का क्या करता है, जिस व्यक्ति के गोदामों के अंदर जब सारा अनाज चला जाएगा मनमाने रेट के ऊपर, वो अनाज बेचेगा या नहीं बेचेगा? महेंद्र जी कंक्लूड करिए प्लीज। कंक्लूड तो ये किसान कर देंगे अध्यक्ष जी, और बहुत जल्दी कर देंगे, बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। और मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार को सुनाना चाहता हूं, काम करो कुछ ऐसा, काम करो कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे लौटने का इंतजार करें, अरे ना करो अनर्थ कुछ ऐसा कि लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें, लोग तुम्हारे मिटने का इंतजार करें। आज दिल्ली की सीमाओं के ऊपर जितने भी किसान बैठे हैं या अपने अपने राज्यों में धरना देकर बैठे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार उन किसानों के साथ में पहले भी थी, आज भी है, और भविष्य के अंदर भी रहेगी। ये हम सभी किसानों को यहां से विश्वास दे रहे हैं, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो कि हर व्यक्ति के दुख दर्द को जानती है, और जो ये तीनों काले कानून पास किए हैं इन्होंने, मैं खुद इस बिल को फाड़ता हूं और इस ऐसे काले बिल को मानने से बिल्कुल इनकार करता हूं, जो कि धक्कादूसी है, जो इन किसानों की जान लेने पर आमदा है, आम आदमी की जान लेने के ऊपर आमदा है, ऐसे किसी कानून को नहीं मैं मानता। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय हिंद।